वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। देखो ये पीछे भी आया कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है जिनको हमने मनी में पता लगा सके, क्या कर सके, मेजर कर सके। समझ पा रहे? हमारी गाड़ी गई, ट्रक गया शिमला और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन अगर वहां पता चला कि 50,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया, वो एंट्री होगी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसको मनी में मेजर कर लिया। समझ पा रहे हैं बेटा बात को? चलें, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, किसमें मेजर की जा सके, माप सके मनी में, आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइजेस। कहाँ रिकॉर्ड होती है? बुक्स ऑफ एंटरप्राइजेस में। स्टेटिंग डिफरेंशियली मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर। भाई सारी चीजें किसमें होती है? मनी में। अमरीका चला जाएगा तो क्या होगा? डॉलर में। ठीक है। इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन दिस प्रिंसिपल सफर्स फ्रॉम टू मेजर लिमिटेशन। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कांट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। देख पहले आ गया, जो ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको नहीं लिखेंगे। हाउएवर इम्पॉर्टेंट दे मे बी टू दी एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइजेस आर इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? इम्पॉर्टेंट है टू दी एंटरप्राइजेस, बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नहीं दिखाते क्योंकि उसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दे कांट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट। क्लियर?